हेलो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू एजुकेटी आप लोग सब कैसे हैं मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे ठीक ठाक होंगे एंड कमेंट करके बता दो इफ आई एम ऑडिबल क्योंकि इफ़ आई एम ऑडिबल देन वी गोइंग टू बिगिन विद चलिए हम्म ंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग हेलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग व्हाट अबाउट लैपटॉप बहुत बढ़िया चल रहा है आवाज नहीं आ रही है ऑडोबेलू हाँ ऑडिबल बलू चलिए चलिए करते हैं द हिंदू एनालिस स्टार्ट करेंगे ठीक है टू थाउजेंड नोट्स अब टू थाउजेंड के नोट्स जो है वो सर्कुलेशन से वापस लेकर जाने हैं आर बी आई का ऑर्डर आया है ये हमें पता होना चाहिए कि आर बी आई ने यह ऑर्डर किया है ट्वेंटी सिक्सटीन में ऐसा ही सेम ऑर्डर आया था फाइव हंड्रेड और थाउजेंड के नोट्स के लिए इस चीज को डीमोनेटाइजेशन बोला जाता है ठीक है अब यहाँ पर आर के नोट्स में हिकअप्स हिकअप्स मतलब जो बीच बीच में कुछ यू नो इन्होंने बोला कि आइडेंटिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है ठीक है बट कई बैंक्स जो हैं वो आईडी मांग रहे हैं तो ये थोड़ा सा इशू हो रखा है ठीक है ना डिटेल में हमें पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है अब हम बात करेंगे ई सेंसर्स के बारे में इसके बारे में बात करेंगे ई e सेंसर्स के बारे में देखिए 2011 में हुआ सेंसस इज पॉपुलेशन का डाटा इकट्ठा करना ठीक है पॉपुलेशन का डाटा इकट्ठा करना इज वॉट इज सेंसस ठीक है अब सेंसस नहीं हुआ होने वाला था ठीक है गवर्नमेंट की बातों से लग रहा है कि इस बार ई सेंसर्स हो सकता है ई e सेंसस मतलब ऑनलाइन सेंसस ठीक है पहले क्या होता था एक फॉर्म होता था ठीक है गवर्नमेंट ऑफिसल वो फॉर्म लेकर आपके घर पर आते थे आपका नाम आपके बच्चों का सब कुछ सब डाटा इकट्ठा करके लेकर जाते थे बट अब क्या पता शायद हम ही ये फॉर्म जो है भर पाए ठीक एंड अगर कोई और भी ये फॉर्म भरेगा तो ऑनलाइन ऑनलाइन ही ये फॉर्म भरा जाएगा ऐसा लग रहा है तो ई सेंसर्स पढ़ते हैं right own, enumerators, enumerators जो लोग आकर हमारे लिए फॉर्म भरते हैं उनको इन्यूमरेटर्स कहते हैं दे विल है फर्स्ट टू फर्स्ट अपडेट देर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर डिटेल्स ऑनलाइन ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर आप इफ सिंस इफ सिंस Want to fill census form themselves? So what to Update their national population register (NPR) details. ऑनलाइन ठीक है अब यहाँ पर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जहाँ पे यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री मतलब जो छः महीने से रह रहे हैं या रहना चाहते हैं उनका डाटा इकट्ठा करा जाता है इज बीइंग प्रिपेयर्ड अंडर प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट नाइनटीन सिटीजनशिप रूल्स टू इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी यूजल सिटीजन ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन एन यूजुअल सिटीजन छः महीने से रह रहा है छः महीने रहने वाला ऐसा सा कोई भी है तो उसका रेजिडेंट ठीक है अब यहां पे सिटीजन वर्ड नहीं यूज किया हुआ रेजिडेंट मतलब जो रह रहा है सिटीजन तो जिसको पूरा डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट मिल गया ठीक है ना वो द डाटा फॉर एमपीआर वॉज फर्स्ट कलेक्टेड इन ट्वेंटी इलेवन इन ट्वेंटी अपडेटेड बाई कंडक्टिंग डोर टू डोर सर्वे तो एनपीआर भी एन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में क्या डाटा इकट्ठा करते हैं यूजुअल रेजिडेंट क्या है ये लिस्ट ऑफ यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री अब टर्म यहाँ पे क्या यूज करा गया है रेजिडेंट्स मतलब जो सिक्स महीने छः मंथ से रिजाइड कर रहे हैं सिक्स मंथ से रिजाइड कर रहे हैं या फिर सिक्स मंथ्स इंटेंशन है रहने की ठीक है ना ऐसे लोगों का ये बेसिकली डाटा इकट्ठा कर रहे हैं ठीक है ये है उसके बाद द एनपीआर फर्स्ट पुट टूगेदर इन ट्वेंटी टेन अपडेटेड इन ट्वेंटी फिफ्टीन ऑलरेडीड एंड नाइनटीन करोड़ पीपल ठीक है तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट बन गया था थर्ड पॉइंट क्या बन जाएगा एन पी आर फर्स्ट पुट टूगेदर इन फर्स्ट पुट टूगेदर इन ट्वेंटी टेन ट्वेंटी में पुट टुगेदर पहली बार किया और 2015 में अपडेट हुआ अपडेटेड हुआ एंड उसके बाद इसके अंदर ट्वेंटी वन करोड़ पीपल का लोगों का डाटा है ठीक है सेंसस 2021 व्हिच वाज हैज बीन पोस्टपोन्ड इनडेफिनेटली विल बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस गिविंग सिटीजंस एन एन अपॉर्चुनिटी टू सेल सेल्फ एन्यूमरेट एज एंड व्हेन इट इज कंडक्टेड तो क्या कहा जा रहा है यहां पर कि ई सेंसस देखिए 2021 के अंदर सेंसस वाज सपोज्ड टू हैपन सेंसस वाज सपोज्ड टू टेक प्लेस ठीक है बट नहीं हुआ Sensus तब नहीं हुआ, ठीक है तो अब क्या होगा अब ई e सेंसर्स होगा ठीक है ना ठीक है ना अब क्या होगा ई e होगा। ठीक है जी ओहो ये पूरा लिखा नहीं इसने सपोज टू टेक वॉट सपोज टू प्लेस ठीक है ना अब यहां पे नहीं हुआ अब क्या होगा फिफ्थ पॉइंट क्या है ई क्या होगा फर्स्ट ई सेंस या डिजिटल ठीक है और फर्स्ट टाइम क्या होगा सेल्फ एन्यूमरेट सेल्फ एन्यूमरेशन ठीक है मतलब खुद से फॉर्म भर पाएंगे अब क्या कर पाएंगे खुद के फॉर्म खुद से फॉर्म भर पाएंगे ठीक है जी द सेंसस इज कंडक्टेड इन टू फेजेज ये आगे जाके पढ़ेंगे बट ये वाला पॉइंट जो है आपको पता होना चाहिए कि आने वाले टाइम में सेंसस कैसे कंडक्ट होगा बताइए इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज बिल्ट ऑन ट्रस्ट मोदी देखिए यहाँ पे जब किसी भी कंट्री के ठीक है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिलते हैं हमारे लोग तो हमें उनका पता होना चाहिए कि नाम क्या है तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया लिख दूँ मैं यहाँ पर ठीक है अब यहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे पहला पॉइंट ऑस्ट्रेलियन पीएम का नाम क्या है ठीक है एल्बनी एंथ एंथनी एल्बनीज मैं हमेशा एल्बनीस एंथनी बोल देती हूँ ठीक है ना तो पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन है पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया एल्बनी एंथनी एल्बनीस एंथनी एल्बनीस ठीक है जी थी? उसके बाद दूसरी इन्होंने क्या क्या चीजें करी वहाँ पर क्या इनागरेट क्या हर हर पार्क था वहाँ पर ठीक है हैरिस पार्क को नाम दे दिया हैरिस पार्क रीनेम डैस रीनेम डैस लिटिल इंडिया ठीक है ना क्या रिफ्लेक्ट करे रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग बॉन्ड बिटवीन रिफ्लेक्टिंग बॉन्ड बिटवीन टू बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ठीक है reflecting, reflecting between, between two, between जी क्रिकेट में हमारी इनके साथ कभी नहीं बनी थी हमारे प्लेयर हमेशा लड़ते रहते थे इनके साथ इनके हमारे साथ मिस्टर मोदी ऑल्सो अनाउंस दैट इंडिया वुड ओपन अ कॉन्सुलेट इन ब्रिस्बेन ठीक है ना इंडिया टू ओपन कॉन्सुलेट इन ब्रिस्बेन ठीक है ये भी ऑस्ट्रेलिया में है ठीक है वहां के लोग डिमांड करें जो इंडियन लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो कह रहे हैं हमें वीजा लगवाने आसान हो जाएंगे यहाँ पे खोल दो ठीक है तो वो करेंगे ठीक है ऑस्ट्रेलिया क्वाड होना था वहां पर ठीक है पर क्वाड अब पूरा नहीं हो पा रहा क्योंकि यूएस नहीं पहुंच पा रहे वहाँ पर कल हमने पढ़ा कि डेली के अंदर जो है वापस से जो पावर है वो किसके पास आ गया है एल के पास आ गया सर्विसेज किसके अंडर प्लेस कर दिया गया है एल के अंडर प्लेस कर दिया गया है थ्रू विच पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ये पावर कौन से आर्टिकल के अंदर आती है बताओ जल्दी से इन द चार्ट सेक्शन फटाफट से द ऑन गोइंग टसल बिटवीन आम आदमी पार्टी अब यहां पर सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस जो है वाई वी वी रा जे राजा शेखर को अपॉइंट करा दोबारा से आप गवर्नमेंट कहती है हम नहीं होने देंगे ठीक है तो ये हमें पता होना चाहिए जल्दी से बताइए कौन सी पावर यूज करते हुए प्रेजिडेंट की और... मैंने बोल दिया थोड़ा सा तो हम्म चलिए अब हम एडिटोरियल्स पढ़ेंगे अब यहाँ पे जलीकट्टू के बारे में बात हो रही है ठीक है ना कि जलीकट्टू की हमने कल जजमेंट नोट कर ली थी नाम ऑफ द नेम ऑफ द जजमेंट यस आर्टिकल 123, ट्वेंटी थ्री ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द ऑफ द प्रेजिडेंट इट इज द लेजिस्लेटिव पावर लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग पावर ऑफ द प्रेजिडेंट कब बना सकता है प्रेजिडेंट क्या सकती है जब दोनों या एक हाउस सेशन में ना हो तब है ना यस Yes, द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया versus यूनियन ऑफ इंडिया ठीक है अब ये किसकी जजमेंट है जलीकट्टू वट जलीकट्टू तमिलनाडु की बुल टेमिंग स्पोर्ट्स है ठीक है ट्वेंटी फोर्टीन में क्या हुआ था ट्वेंटी फोर्टीन में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया था क्यों बैन कर दिया था कि भाई तुम एनिमल को तंग कर रहे हो ठीक है ना तुम बुल को तंग कर रहे हो बुल इस काम के लिए नहीं बना गया है और उसके बाद और क्या कहा गया प्रिवेंशन ऑफ क्रुआलिटी टू एनिमल्स एक्ट का ब्रीच हो रहा है ठीक है मतलब ये फॉलो नहीं किया जा रहा है उसके बाद 2023 में क्या हुआ 2023 के अंदर जो रिसेंट जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट कहता कि ट्रेडिशन है तमिलनाडु का ट्रेडिशन है तो इसलिए ये होने दिया जाए और जो लॉज में चेंज ले गया तमिलनाडु वो सही है तो ये जो ऑर्डर है ये बिल्कुल भी खुश नहीं है ये कहते हैं कि एनिमल्स को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे रही है जो कि गलत है एनिमल्स के भी बचाव करना हमारा ही यू uh, नो you know, uh, हमारी ही ड्यूटी uh, है एंड ऑल्सो जो जो जिन, जिन को स्लाट के लिए चाहिए तो जली कट्टू और आज सेम सेक्स मैरिज तुम्हारे अकॉर्डिंग सेम सेक्स मैरिज का रिकोगनाइज कर देनी चाहिए इंडिया में इन दोनों के ऊपर प्रेपरेशन रहेगी और डेली ऑर्डिनेंस जो आई है डेली के ऊपर सर्विसेज की जो ऑर्डिनेंस है ये तीन टॉपिक्स प्रिपेयर करके कॉमेंट्स में ड्रॉप कर देना मैं चेक कर लूंगी अगर आपको मेरे से चेक करवाने हैं तो चलिए आगे द नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम एंड जी सेवेंटी सेवन हेडे मतलब पॉपुलैरिटी ठीक है बहुत ज्यादा पॉपुलर थे फिर उसके बाद क्या हुआ अब पॉपुलर नहीं है तो हे डे लिखेंगे heyday मतलब पॉपुलर वो कहते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जी सेवनटी सेवन और नाम बहुत फेमस हुआ करते थे बट अब बट अब जो है स्लैट एग्जाम हो गया मैम बेटा तो इंटरव्यू तो होगा ना और उसका जो ऐसे राइटिंग है वो भी होगा अभी तो अभी नहीं हुआ अभी तो आधी जर्नी हुई है मेन जर्नी तो बाकी है ऐसे नहीं बोलती रहती हूँ मैं मुझे पता होता है क्या चल रहा है ठीक है

ठीक है जो ब्रिक्स है वो फोर्टीन समिट्स हो गई है पास थर्टीन एक बहुत ही बड़ी बात है ठीक है ना अब इसके अंदर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ब्रिक्स है अब कहाँ पर होने वाली है ब्रिक्स जल्दी से बताओ इन द चार्ट सेक्शन कोई बात नहीं रिया बेटा इट्स ओके इट्स ओके हम एक दूसरे को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे कई बार तुम बहुत सारी चीजें मुझे बताते हो मैं तुमको बताती हूं यह ज्ञान का आदान प्रदान ही है ठीक है ना ना मुझे सब कुछ आता है ना तुम्हें आता है ठीक है चलिए बताइए बताओ जल्दी से ब्रिक्स कहां पे होगी ब्रिक्स कहां पे होगी उसने जी सेवेंटी सेवन लिखा है देख लिया करो यातिश ब्रिक्स होगी साउथ अफ्रीका में तो वो कह रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज जो हैं ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहती हैं ब्रिक्स का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक ठीक है ना तो ये सारी चीजें जो हैं इसके बारे में बात करी हुई है ठीक है इसमें से हमें नोट कुछ नहीं करना जो समझना था वो मैं तुमने समझा दिया है तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड दो इन्वेस्टिगेशन चल रही है एक तो सेबी वाले चला रहे हैं और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन कमिटी बिठाई थी विच वॉज हेडेड बाय होम जस्टिस ए एम सप्रे ठीक है ए एम सप्रे मैंने तुम्हें याद करवाया था ना कि सपर खाते हैं इवनिंग मील को इंग्लिश में सपर कहते हैं ठीक है अब कई लोग होते हैं उनको सुबह उठते ही भूख लगने लग जाती है उठते बाद में पहले कहते हैं हमारे मुंह में खाना डालो ठीक है तो वो इवनिंग वाला सपर सुबह उठते ही ले लेते हैं तो ए एम सप्रे ठीक है सुबह वाला ए एम एज़ सुबह का टाइम ठीक है जी ऐसे आप याद कर सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अदानी इस पर क्या इल्ज़ाम लगा है कि मैन्यूपलेट कर रहे हैं रेट स्टॉक प्राइस जो है उसको ठीक है किसने लगाया है हिडनबर्ग हिडनबर्गर Hidden के नाम से याद करते हो आप लोग इसको हिडनबर्ग रिसर्च ये कहाँ की है यू से की है तो सभी ने तो अभी टाइम मांग ले कि हमें थोड़ा और टाइम दो बट जो आ, सुप्रीम कोर्ट वाली है उन्होंने कहीं ना कहीं देखो अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि इस आपको आर्टिकल जो है कभी कभी ये लगेगा कि वन साइडेड है होते भी आर्टिकल दोनों साइड के आर्टिकल्स होते हैं तो यहाँ पर अगर आप कहीं और पे जाके आर्टिकल पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो एम सप्रे की इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आई है वो ज़्यादा फेवर करिए अदानी को और यहाँ पे ऑर्डर निकाए कि नहीं ये छुपा रहे हैं कुछ भी ठीक है ना तो हमें जितना पता होना चाहिए हमें उतना पता है अब यहाँ पे देखिए लॉ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली लिख रहे हैं एडिटोरियल गाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप नोट कि एडिटोरियल लिखा किसने है क्योंकि हमें ना तो हम आपकी साइड है ना हम बीजेपी की साइड है और ना ही हम कांग्रेस की साइड हैं जब हम पढ़ाई कर रहे हैं हम किसकी साइड है हम तो जीके की साइड हैं जहाँ से हमारा करंट अफेयर का फैक्ट निकलेगा हमें वो पढ़ना है समझ रहे हो ये वाली थॉट प्रोसेस लेकर पढ़ा करो नहीं तो ओपिनियन को तुमने फैक्ट मान लिया तो क्वेश्चन गलत है अब यहाँ पे लॉ मिनिस्टर ऑफ डेली ऑब्वियसली वो डेली की साइड लेगा है ना तो यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं तो ये वही फाइव जज बेंच की जो जजमेंट आई है डेली गवर्नमेंट की कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज डेली गवर्नमेंट के रिलेटेड जो जजमेंट आई है कि सर्विसेज डेली गवर्नमेंट के पास जाएगा फिर ऑर्डिनेंस आ गया जिसके अंदर सर्विसेज को दोबारा से uh, उसके पास डाल दिया गया है एल uh, जी के पास लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास तो वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही गलत है और ये सब तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर जिस पार्टी से रिलेटेड ठीक है कुछ डिस्प्यूट है अगर वो ही लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ज्यादा दूसरी साइड पे झुकाएंगे और हमें सिर्फ फैक्ट्स लेकर निकल जाना है ठीक है ना क्योंकि हम यहां पर ये देखने नहीं आए कौन सही है कौन गलत ठीक है इनसे नंट तुम्हारा इंटरव्यू नहीं है तब तुम्हें देखना और तब भी तुम्हें किसी एक पार्टी की साइड नहीं लेनी है तुम्हें सही की साइड लेनी है ठीक है ना तो सही रहोगे द नैगिंग नैगिंग क्या होती है कंप्लेंट करने वाली ठीक है या बाला ठीक है नोटा होता है नन ऑफ द अबव जब तुम वोट देने जाओ तुम्हें कोई पार्टी अच्छी नहीं लगती तो तुम नोटा दबा सकते हो कि हमको कोई पसंद नहीं है तुम सब एक जैसे हो हमको कुछ पसंद नहीं है ठीक है नैगिंग का मतलब क्या होता है नैगिंग का होता है जो कंप्लेंट करता रहे सारा दिन परसिस्टेंटली अनोइंग और फाइंडिंग फॉल्ट ठीक है ना नैगिंग का मतलब क्या होता है ठीक है फाइंडिंग फॉल्ट विथ समन जैसे हमारे मम्मी पापा करते हैं है, है ना सच में माँ बाप सिर्फ इंडियन माँ बाप अपने बच्चों की तारीफ सिर्फ तब करते हैं जब हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं नहीं तो इतनी बेजती करते हैं कि पूछे मत देखिए द नागिंग डिस्प्यूट ओवर द वाटर शेयर ऑफ कृष्णा रिवर अब कृष्णा रिवर का जो वाटर डिस्प्यूट है वो किसके बीच में है आंध्र प्रदेश के बीच में है और तेलंगाना के बीच में क्यों क्योंकि तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश के बीच में से निकला है ये वाली चीज़ हमें क्लियर है ठीक है पहले भी पढ़ी थी नोट नहीं करेंगे अगर आप नए हो तो आप नोट कर लोगे कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट जो है वो किसके बीच में है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में राइट द डिस्प्यूट डेट्स बैक टू द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश इन नवंबर 1956 तो यहां पे हमें याद रखना है कि आंध्र प्रदेश कृष्णा वाटर डिस्प्यूट किसके बीच में कृष्णा वाटर डिस्प्यूट तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में लिख लीजिए दोबारा से अब यहाँ पे इन्होंने कुछ पुराने पन्ने याद कराए हैं तो वो हमें करने पड़ेंगे एक इन्होंने गुड मैन ठीक है ना बड़ा सही एग्रीमेंट जेंटलमैन जेंटलमैन प्रॉमिस याद है जेंटलमैन अग्रीमेंट तुम्हारे अकॉर्डिंग अभी भी जेंटलमैन भगवान प्रोडक्शन कर रहा है या खत्म हो गए हैं जरूर बताना जेंटलमैन अग्रीमेंट साइन हुआ नाइनटीन में ठीक है ना और इसके ऊपर डेट फैक्ट फैक्टर फॉर्मेशन ठीक तो है तो इस ये साइन हुआ ये भी कृष्णा वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड ही था उस टाइम पर अब यहाँ पर फिर उसके बाद हम सिर्फ ये याद रखेंगे जो इससे चीज़ों से रिलेटेड है और जो मैं ब्लू मार्क कर रही हूँ आज मैं तुम्हें क्लियर कर रही हूँ जो जो मैं ब्लू मार्क कर रही हूँ वो क्लैट के लिए है क्लैट में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद करनी पड़ेगी ठीक है और वो कर लेंगे दो हिंदू से तो बहुत बढ़िया रहेंगे ठीक है फर्दर ऑन 1968 सिक्सटी ट्रिब्यूनल कौन सी बचाओ हमें बचाओ बचावत। ये तो इजी है जैन, इन्होंने नाम इतने अच्छे अच्छे दिखे हैं बचावट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करेगी ठीक है ना जिसको क्या बोला जाता है के डब्ल्यू टी वन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ठीक है अब ये क्यों कॉन्स्टिट्यूट हुई भाई इसने डिस्प्यूट किसका सॉल्व करना था शेयर अमंग डिस्प्यूट अराउंड वाटर शेयर अमंग महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्र प्रदेश ठीक है जी अब यहाँ पे द ट्राइब्यूनल एलोकेटेड ए ट्रप ये वाला पॉइंट ये सारे का सारा कि, कि, किसको कितना गया ये क्लैट वाले नोट करेंगे सिर्फ और किसी को नोट करने की जरूरत नहीं है द ट्राइब्यूनल हैड रिकमेंडेड टेकिंग द तुंग भद्रा डैम वाटर टू द ड्रॉट प्रोन महाबब नगर एरिया ठीक है तो तेलंगाना को इन्होंने स्पेसिफिक कहा था क्योंकि तेलंगाना ड्रॉट प्रोन है मतलब वहां बारिश ज्यादा नहीं होती सूखा बढ़ जाता है तो इसलिए उन्होंने रिकमेंड किया था बट ये क्या माना गया नहीं ये नहीं माना गया ठीक है ना हम पहले इसी का टेम्परेचर सही कर ले बाइक और मेरी हड्डियाँ दुखने लग गई हैं इसी की वजह से देर इज़ नो में यार किसी के पास अगर एप्पल का आई है मांग नहीं रही हूँ तुमसे बस इतना पूछ रही हूँ कि क्या अगर उसके ऊपर हम पढ़ाएं तो ऐसे वो भी गर्म हो जाता है कहीं पता चले मैं इतने पैसे लगा दूँ यार वो तो महंगा ही बहुत है मतलब बहुत ज़्यादा महंगा है देर इज़ नो मैंशन ऑफ वाटर शेयर इन द आंध्र प्रदेश रिओर्गेनाइजेशन एक्ट ट्वेंटी फोर्टीन सेंस द के डब्ल्यू डी वन अवार्ड विच वॉज स्टिल इन फोर्स अब याद यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब तेलंगाना निकाला गया आंध्र प्रदेश में से थ्रू आंध्र प्रदेश तो यहाँ पे लिखेंगे एक तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये कब अलग हुए आंध्र प्रदेश री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ट्वेंटी ठीक है जब ये अलग हुए नो एलोकेशन ठीक है कोई एलोकेशन ऑफ वाटर नहीं हुई ठीक है एट द मीटिंग कन्वीन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स इन ट्वेंटी अरेंजमेंट ये क्या था परमानेंट नहीं ये परमानेंट नहीं था ठीक है ये परमानेंट नहीं था टेम्परेरी था ठीक है एडहक टेम्परेरी चलिए अब यहां पे हम ये लिख लेंगे कि 2015 में क्या हुआ 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स ने क्या कहा मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने कहा कि चलो एडहॉक एडहॉक मतलब टेम्परेरी टेम्परेरी अरेंजमेंट किया नहीं होता बट नॉन एपल अच्छा कंपैटिबल नहीं होता ये भी है देखते हैं चलिए अब यहां पर थर्टी फोर रेशो सिक्सटी सिक्स में डिवाइड हुआ तेलंगाना को मिला कम तभी तेलंगाना डांस कर रहा है और एपी को मिला इतना ठीक है ये हमने पहले भी लिखा हुआ है इसको याद कर लो कर लो याद कर लो कर लो ठीक है स्टेट्स का क्लेम क्या है वो कह रही है कि भैया मुझे सिक्सटी परसेंट चाहिए नहीं इट इज इंटाइटल फॉर एटलीस्ट सेवेंटी परसेंट तेलंगाना कह रही है कि मैं सेवेंटी सेज तेलंगाना सेज सेज दैट इट इज इंटाइटल्ड फॉर सेवेंटी परसेंट शेयर चलिए आगे चलते हैं अब यहाँ पे कार्बन बॉर्डर टैक्स अरे भाई ये किसका है कार्बन टैक्स किसका है मेरा तुम्हारा किसका जल्दी से बता दो इतने हम कर लेते हैं डब्ल्यू पर जा सकते हैं आप वहाँ पे आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे फॉर जस्ट रुपीज़ हंड्रेड पर मंथ प्लस आपको द हिंदू मार्क भी मिल जाएगा ठीक है एंड उसके बाद आपको रुपीज़ टू हंड्रेड में मिल रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ठीक है आप जो ये करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस टेस्ट्स हैं ठीक है ये करंट अफेयर्स के मॉक्स आप कह सकते हैं और ये ऐसे टेस्ट बनाए गए हैं कि आप इनको जीरो से अगर करंट अफेयर्स कवर करने तब भी ले सकते हैं। ते हैं और अगर आपको सिर्फ टेस्ट देने हैं और आपको मेक शोर करना है कुछ एक्स्ट्रा इन्फो आपका मिस नहीं हो गया है तब भी आप ये बाय कर सकते हैं जनवरी ट्वेंटी के अवेलेबल हो गए बाकी सारे मंथ्स के भी अवेलेबल मैं करवा दूंगी राइट right, उसके बाद ये मैं खुद ही बनाती हूँ ठीक है ये जो आपके प्रैक्टिस टेस्ट हैं दिस आई मेक आई माई मई बनाती हूँ ठीक है उसके बाद आपके मॉक टेस्ट हैं मॉक टेस्ट के अंदर आपको जो अवेलेबल है अभी वो 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 सी यू टी पी जी के मॉक टेस्ट हैं ठीक है टेन मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं जिसका कोड है सी ओ क्यू पी इलेवन डी यू एल एल बी और एम एच सॉरी एम एच तो गया यार उसका तो रिजल्ट आ गया बी एच यू एल एल बी और एम एच सी टी का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहा है ठीक है बहुत अच्छा अगर कोई बच्चा एम एच सी टी का है तो न्यूज़ पेपर फॉलो करते रहो तुम्हारे दीदी भैया ने यही बोला है तो मैसेज दे रही हूँ तुम्हें एंड सी यू टी के अलावा हमारे पास पी यू थ्री ईयर्स का भी है ठीक है जी मॉक टेस्ट है और मॉक इंटरव्यू है स्लॉट का अगर आपको बुक करवाना है तो करवा लीजिए ये लिमिटेड स्लॉट्स हैं क्योंकि मुझे इंटरव्यू लेना होता है तो लिमिटेड स्टॉक स्टॉक नहीं लिमिटेड स्लॉट्स ही होंगे मैं मतलब और भी काम करना है जैसे मुझे ये क्लास भी तो लेनी है ना ठीक है और भी काम करना है दूसरा चैनल भी संभालना है तो लिमिटेड सीट्स हैं अब चलेंगे हम सी बैम के पास सी बैम देखिए अगर आप नए हो कौन बच्चा नया है जल्दी से बता दो कोई नया बच्चा है न्यू एडमिशन कौन है सी बैम ठीक है सी बैम इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मकानिज्म अब यूरोपियन कमीशन यूरोपियन यूनियन क्या कहती है कि भैया हम टैक्स लगाएंगे ठीक है ये टैक्स का मतलब क्या है ये टैक्स क्या है सी बैम इसके अंदर ये जो मकैनिज्म है अगर कार्बन आप कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हो कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए ठीक है और वो चीज़ वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर कर आप ईयू में बेचने आते हो तो क्योंकि आपने कार्बन प्रोड्यूस किया तो ईयू टैक्स लगाएगा अब ईयू कह रहा है मैं ऐसे टैक्स क्यों लगा रहा हूँ ईयू कह रहा है क्योंकि मेरे यहां पर मैंने कुछ गाइडलाइंस बनाई हुई हैं जिसकी वजह से मेरे यहाँ पे प्रोडक्शन महंगी है समझ में आया दोबारा रिपीट करती हूँ यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि अगर मेरे यहां पे प्रोडक्शन करोगे तो मैं अगर तुम कार्बन एक्सटेंसिव हो मतलब कार्बन तुम बहुत भर भर के कार्बन निकाल रहे हो मैन्युफैक्चर करने के लिए तो मेरे यहाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है या फिर तो उसको ऐसी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी कि, कि कार्बन बाहर आए ना या फिर उसको कुछ यू नो फाइन देना पड़ेगा कुछ ऐसा सा रूल है देख फोर जो प्रोडक्ट कार्बन रिड्यूस कर कर मेबी ₹100 का बन रहा है वो ईयू में मेबी ₹200 का बन रहा है ठीक है ना तो मतलब ईयू में प्रोडक्शन महंगी हो गई तो अब वो कहते हैं कि भैया जो ईयू से बाहर से भी सेम प्रोडक्ट लेकर आएगा या कुछ भी ऐसा लेकर आएगा हम उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे समझ आ रहा है ठीक है तो ये है अगर समझ आ गया तो हार्ट्स बना दो तो ये टैक्स लगाए ईयू ने इसके ऊपर मोस्टली कार्बन इंटेंसिव कौन सी है कंपनीज मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट सॉरी नॉट कंपनीज एल्यूमिनियम स्टील फर्टिलाइजर्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी सीमेंट ये सारे हैं ठीक है ना तो ये कह रहे हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं अब इसके अंदर से आपको अगर आप नए हो तो सी बैम नोट करना है दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट नंबर टू आपको नोट करना है कि ये यूरोपियन यूनियन टैक्स लगा रहा है कौन लगा रहा है ये यूरोपियन यूनियन टैक्स लगा रहा है ये ठीक है अब इसके अंदर और

हाँ क्लैट का डेट भी आ गया पढ़ना स्टार्ट कर दो अब ठीक है छः महीने अगर डट के पढ़ लोगे तो जिंदगी में कुछ बन जाओगे वैसे भी बन जाओगे बट यार तुम्हारी ईजी हो जाएगी जिंदगी ठीक है ना वहां जाके भी मेहनत तो करनी पड़ेगी बट वो मेहनत का फल मिलेगा फिर ठीक है, है। चलिए अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं यूरोपियन यूनियन लिख लिया चलो ये सारा हम कॉपी करेंगे अब दिस वुड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट यूरोपियन ग्रीन डील यूरोपियन ग्रीन डील क्या है यूरोपियन ग्रीन डील के अंदर वो कह रहे हैं वैसे इसको स्टार बना देते हैं यूरोपियन ग्रीन डील के अंदर दो चीजें होने वाली हैं नंबर वन वो कहते हैं कि हम फिफ्टी फाइव परसेंट रिडक्शन इन कार्बन एमिशंस ठीक है कंपेयर्ड टू 1990 लेवल्स एक मिनट ये ऐसे नहीं लिखना था कंपेयर टू नाइन्टीन नाइन्टी लेवल्स नाइनटीन नाइन्टी से कंपेयर कर तो फिफ्टी फाइव परसेंट नीचे जाएंगे बाय ट्वेंटी थर्टी ठीक है ना और जिंदगी में इनका एम क्या है ईयू वालों का कि हमें क्लाइमेट न्यूट्रल बनना है न्यूट्रल कॉन्टिनेंट बनना है बाय ट्वेंटी फिफ्टी एक और काम करो फिर तुम लड़ाई भी बंद करवा दो ठीक है ना बढ़िया हो जाएगा उससे भी पोल्यूशन बहुत होता है शायद भूल रहे हो तुम कि वो जो सारा सामान इधर उधर फेंक रहे हैं अपना स्पेस से रॉकेट वॉकेट ठीक है ना तो उससे भी पॉल्यूशन ही होता है बंद करवा दो लड़ाई चलो ये है ठीक है ओके नहीं क्लाट में इंटरव्यू नहीं होता बेटा फ्लाट में इंटरव्यू होता तो बहुत स्लाट वाले पागल हो जाते इतना बच्चा इंटरव्यू लेंगे तो बस हो गया काम स्लाट वाले ले रहे हैं इंटरव्यू ठीक है अब इसमें सेंसर्स के बारे में बात करी हुई डिजिटल एज ये सारा होगा वो हमें पता ही है ठीक है रेपूटेशन सा है तो हमें नहीं करना है चलो आगे चलते हैं अब अभी पे पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बारे में हमने नोट किया था कि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग इनागरेट होने वाली है टेंशन वाली बात नहीं है अगर टॉपिक मिस हो गया था जिस दिन इनागरेट होगी उस दिन और बताया जाएगा तो पार्लियामेंट जो जो ओल्ड पार्लियामेंट है पुरानी दो नोट्स आ गया हेलो बोल दो नोट्स को इतने दिनों बाद आ रहा है अब तो बेचारा तो कमी तंग कर रहा है ओल्ड पार्लियामेंट ठीक है ओल्ड पार्लियामेंट अब यार यहाँ पर क्या हुआ बीजेपी वाले कहते हैं कि प्रधानमंत्री इनागोरेट करेंगे नई पार्लियामेंट कांग्रेस वाले कहते हैं प्रधानमंत्री को करेंगे प्रेसिडेंट करेंगे ठीक है अब इनको लड़ना तो है ना तुम समझते नहीं हो अगर लड़ेंगे नहीं तो मज़ा कैसे आएगा पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स खेलने का तो अब वो कहते जो मिनिस्टर हैं बीजेपी के वो कहते कि देखो ओल्ड पार्लियामेंट इंदिरा नाइनटीन में इनागोरेटेड बाय इंदिरा गांधी इनागोरेटेड बाय इंदिरा गांधी और यहाँ तक कि वो कहते हैं एक लाइब्रेरी बनी थी वो लाइब्रेरी जो थी राजीव गांधी ने इनागरेट करी थी 1987 में ठीक है अब कल कांग्रेस वाले क्या कहेंगे अगर वो करंट अफेयर्स के अंदर रेलेवेंट होगा तो हम पढ़ेंगे नहीं तो नहीं पढ़ेंगे ठीक है चलिए अब जी ठीक है जी की थर्ड जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है वो श्रीनगर में हो रही है अब श्रीनगर जो है वो किसका पार्ट है जे का तो किसके पेट में दर्द होगी बताओ तुम्हारे मेरे नहीं हमको तो खुशी होगी ठीक है पाकिस्तान के पेट में दर्द होगी इसके होगा एक स्टमक एक पाकिस्तान अब पाकिस्तान के दर्द के चक्कर में जिसकी हमने अब बताओ यहाँ पे हमने टर्की वालों की पूरी हेल्प करी थी ठीक है बट फिर भी ये लोग नहीं आए चाइना सऊदी अरेबिया और टर्की पक्के दोस्त ठीक है ऑल जी ट्वेंटी मेम्बर्स एंड इजिप्ट स्पेशल इन्वाइटी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग आफ्टर पाकिस्तान ऑब्जेक्टेड टू इंडिया मूव टू होल्ड मीटिंग इन जे एंड के इज़ पार्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान हैज़ नो राइट टू हाँ यार मतलब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर देखो यार बीजेपी अलग है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की बात कर रहे हो तो ये मत समझना कि मैं तारीफ़ कर रही हूँ बीजेपी की देखो यार मतलब उस बंदे ने हमारी इज्जत बढ़ा दी इतने प्यार से जवाब देकर आता है बेचारा इतने प्यार से कि मतलब जो ये जर्नलिस्ट होते हैं वापस से क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाते हैं ठीक है ना तो अब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बहुत आराम से समझा दिया है कि देखो जे एंड के तो मिलने से रहा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं ठीक है ना थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहा पर हो रही है श्रीनगर में ठीक है ना तो किसको प्रॉब्लम है किसको प्रॉब्लम है प्रॉब्लम पाकिस्तान को क्यों ये तो तुम्हें लिखवाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है कौन कौन ने नहीं अटेंड करी ठीक है चाइना टर्की यस इजिप्ट वाले ने भी नहीं करी इसको तो हमने गेस्ट भी बुलाया था चाय समोसे भी पूरे खिलाए थे इसको तो अरेबिया प्लस इजिप्ट ये तो मेंबर्स हैं मेंबर्स एसिओ ठीक है और इजिप्ट स्पेशल इन्वाइटी था इसने भी नहीं करी स्पेशल इनवाइटी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग डिड नॉट अटेंड द मीटिंग ठीक है मत करो हमारा क्या जाते बढ़िया है चाय समोसे बच गए हमारी हम खुद खा लेंगे कितना मजा आता था ना जब गेस्ट चाय समोसे कम खा के जाते थे पीछे से हमें खाने को मिलते थे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड ऑन ट्यूसडे दैट स्पेशल एफर्ट्स शुड बी मेड तो टू कनेक्टिविटी विद एट अनकनेक्टेड बॉर्डर विलेजेस देखिए बॉर्डर विलेजेस से रिलेटेड जो स्कीम है वो कौन सी है वाइब्रेंट विजेस प्रोग्राम ये किसके लिए है बॉर्डर विलेजेस के लिए ठीक है ना फिर चेक करना पड़ेगा 1975 सेवनटी फाइव में क्या मेरे को भी ये लिख रहा था 1927 में ऑपरेशन हुई 1975 में कुछ क्या होगा या तो अपडेट क्या होगा कुछ क्या होगा चेक कर लेंगे कोई बात नहीं मैं चेक कर लूँगी हाँ हाँ चेक कर लेंगे यार तुम अपना नाम तो लिख लो तुम लोगों को नाम लिखने में क्या जा रहा है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम वी वी पी ठीक है ये क्या है बॉर्डर विलेजेस बॉर्डर विलेजेस की डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ठीक है अनकनेक्टेड बॉर्डर विलेजेस को कनेक्टिविटी करना ये एम है ठीक है ये बोल रहे हैं अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर ठीक है वैसे तो हर घर का होम मिनिस्टर मम्मी पापा होते हैं प्रदेश के होम मिनिस्टर अमित शाह इंसा कॉग हैज नॉट पुट आर वीकली बुलेटिन मार्च ट्वेंटी सेवन इंसा कॉग क्या है पुराने वाले तो बता सकते हैं नए वालों को तो मैं बताऊंगी ये तो मैं भी याद नहीं है यार ये एस जी ट्वेंटी की मीटिंग है जहां तक मुझे याद है पर एक बार मैं चेक कर लेती हूँ मैं भी कंफ्यूज हो गई देखा कंफ्यूज है जी ट्वेंटी की है जी ट्वेंटी की मीटिंग है ये देखो जी ट्वेंटी की लिख लेते हैं ऊपर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जी ट्वेंटी की मीटिंग है ठीक है एस सी ओ की मीटिंग ये वाली हुई नहीं अभी तो जी ट्वेंटी की मीटिंग है ठीक है चलो आगे चलते हैं एस सी ओ में तो पाकिस्तान खुद ही आया हुआ था चलो आगे चले इंसाकॉक ठीक है इंसा कॉक की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए इंडिया स्वास्कोव टू जीनोमिक्स कंसोटियम ये क्या करता है जिसको कोविड हुआ है उसका जो जुगाड़ लेकर जाते हैं तुम्हें पता ही है कौन सा जुगाड़ लेके जाते हैं उसको टेस्ट करते हैं कि भाई कौन सा वायरस इन है ठीक है ना सार्स कोविड जो है वो कौन सा चला रहा है और उसके ऊपर वैक्सीन चल रही है या नहीं चल रही है सब कुछ इनको ध्यान रखना होता है अगर आपने इसकी फुल फॉर्म नहीं नोट करी है तो इसकी फुल फॉर्म नोट कर लीजिए ठीक है जो नए बच्चे हैं जल्दी से नोट करो अ मल्टी लेबोरटरी मल्टी एजेंसी इंडिया नेटवर्क टास्क विद सीक्वेंसिंग ये जो डब्बा बना रही हूँ ना ये नोट करो पहले ठीक है सीक्वेंसिंग टास्क विद टास्क विद सीक्वेंसिंग एंड कीपिंग एन आई आउट ऑफ आउट फॉर न्यू सार्स वेरियंट ठीक है कोविड के नए वेरियंट्स पर आए रखता है ये ऑन कोविड नाइनटीन न्यू वेरियंट ठीक है नाबर्स हो गई सॉरी 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 माई बैड जी ट्वेंटी है ये सॉरी 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 चलिए यहां पर यह समझ में आ रहा है इंडिया इंडिया सास को सॉग कॉग ठीक है इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्या करती है न्यू वेरिएंट्स को देखती है कि कोई कोविड का नया वेरिएंट तो नहीं आ गया है और अगर आ गया है क्या उसके ऊपर इंजेक्शन वो कर रहा है ठीक है क्या उसका हाउ टू ट्रीट दिस वेरिएंट क्या कुछ डिफरेंट है ये सब आए रखता है अब ठीक है वो कह रहे हैं बुलेटिन नहीं निकाला कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तो उसके अंदर वो कह रहे हैं यहाँ पर ऑर्डर क्या कह रहे हैं कि भैया डब्ल्यू ने बोला कि अभी भी नज़र रखना है कोविड पे कोविड गया नहीं है ठीक है द इंटरनेशनल पैथॉजिन सर्वेलेंस नेटवर्क आई पी एस एन ठीक है ये ये इंटरनेशनल नेटवर्क है विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट कंट्रीज एंड रीजन इम्प्रूविंग सिस्टम फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग सैम्पल्स यूजिंग दिस डाटा टू ड्राइव पब्लिक हेल्थ डिसीजन मेकिंग ठीक है तो ये आ, ये हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है आप इसकी फुल फॉर्म नोट कर लीजिए अगर नए हो ये नोट करना जरूरी है ठीक है दिस इंटायर नीड्स टू बी नोटेड दिख रहा है या नहीं दिख रहा दिख तो रहा है ठीक है चलिए आगे चलेंगे ये रे, रेपिटेशन है ट्वेंट सेवेंटी थ्री परसेंट स्मार्ट सिटीज अब स्मार्ट सिटी का क्या है ये गवर्नमेंट की स्कीम है स्मार्ट सिटी नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन ये कब आई थी ट्वेंटी फिफ्टीन में आई थी अर्बन रेन्यूअल मिशन मतलब सिटी जो है उसको बढ़िया बनाना है डब्ल्यू एच ओ देखिए डब्ल्यू टी ओ इज ऑलवेज ट्रेड ठीक है जब हेल्थ की बात करें कोविड का जो काम होगा वो मोस्टली डब्ल्यू एच ओ ही देखेगा ठीक है डब्ल्यू टी ओ नहीं अगर मैं गलत बोल दिया तो पता नहीं आज मुझे क्या हो रहा है मैं इतनी गलतियां क्यों कर रही हूँ टू तो प्रमोट सिटीज यहाँ मुझे ठंड बहुत लग रही है अब ये ऐसी गर्मी करने लग गया है मैं क्या करूँ इसकी तभी अब हमें एप्पल में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा तो करेंगे हम ठीक है थोड़े दिन तक लेकर आते हैं एप्पल को टू प्रोमोट सिटीज टू प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट ठीक है ना कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड्स ब्रिजेस ये सब कुछ प्रोवाइड करना इज नेशनल स्मार्ट सिटीज मिशन ठीक है इसको नोट कर लेते हैं लग गई इसको गर्मी भगवान ऐसा मत कर चलिए इंडिया गेट्स बांग्लादेश की रेल इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया किसको दे रहा है बांग्लादेश को टू फर्दर स्ट्रेंथन बायोलेट्रल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन इंडिया हैंडेड ओवर ट्वेंटी ब्रॉड गॉज लोकोमोटिव टू इट्स ईस्टर्न नेबर ठीक है हमने कितने दिए किसको बांग्लादेश को यार ये तुम लिखो मेरा जो बोर्ड है वो हैंग हो है। गया लिखोगे मैं यहाँ पर क्या पंगा है इसको हाँ आ, आ, आ गया आ गया चलो 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 हो गया अब यहां पे हम लिखेंगे इंडिया इंडिया इंडियन रेलवे हैंडेड ओवर ट्वेंटी ब्रॉड गॉज लोकोमोटिवस टू बांग्लादेश ठीक है अब यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैड द गवर्नमेंट सेट द गवर्नमेंट हैड ऑल्सो ऑफर्ड बांग्लादेश द यूज ऑफ आई टी सिस्टम डिप्लॉयड बाई पी एम गति शक्ति ठीक है ना हैव ऑल्सो ऑफर्ड ठीक है कहा है कि चाहे पी लो पिलाई नहीं है अभी ना 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 ऑफर करिए ऑफर्ड बांग्लादेश टू यूज पीएम गति शक्ति स्कीम विच है ना इसको इंफॉर्मेशन है इनफो बेस्ड ऑन सैटेलाइट इमेजरी ठीक है ना सैटेलाइट बेस्ड सैटेलाइट इमेजरी इमेजेस सैटेलाइट के थ्रू जो इमेजेस ली गई हैं उसके ऊपर बेस्ड इंफॉर्मेशन है और इन्होंने बांग्लादेश को बोला कि भाई अगर तुम्हें चाहिए इसके ऊपर मतलब अगर तुम यूज़ करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो ठीक है ना तो ऑफ़र किया है ये पीएम गति शक्ति जो स्कीम है इट इज बेसिकली कनेक्टिविटी प्लान है ठीक है ना जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है टू इंश्योर इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विद फोकस ऑन स्पीडिंग अप एवरी तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है उसका डाटा जो इकट्ठा कर रहे हैं ठीक है ना अब यहाँ पे लिख सकते हो अगर आपको लिखना है यहाँ पे लिखवा देती हूँ कॉमन प्लेटफॉर्म्स प्लेटफॉर्म फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ठीक है ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैन कम कम अंडर वन अम्ब्रेला एंड दे कैन प्लान द इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ठीक है ना वो है ये तो इसका डाटा इनके साथ शेयर करेंगे द इंफॉर्मेशन विच कैन बी असेस लेयर बाय लेयर पिन पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ रिवर्स ओके ठीक है ये तो इसके लिए बट यहाँ पर इनको क्यों दे रहे हैं ये बता सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ रिवर्स लोकेशन ऑफ रिवर्स टाउन्स रिवर्स, उन्स फॉरेस्ट एंड रेल लिंक ठीक है ना तो इससे क्या होता है हेल्प्स इन प्लानिंग लिख लो हेल्प्स इन प्लानिंग तो इसके अंदर जो एक डाटा इकट्ठा कर रहे हैं वो शेयर कर देंगे लोकेशंस का दीज लोको विल हेल्प हैंडल द इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ पैसेंजर एंड फ्रेट ट्रेन फ्री ट्रेन कौन सी है? होती है जो गुड्स ट्रेन होती है ठीक है न चलिए दिसंबर तक पढ़कर जाना करंट अफेयर्स फ्लैट वाले हैं एंड तक से क्वेश्चन पूछते हैं ठीक है अस्पेस एक्स कैप्सूल कैरिंग अब यहां पे क्वेश्चन आ गया है ठीक है यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा ये ये हंड्रेड परसेंट वाला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं तो ध्यान दे लो थोड़ा ठीक है फर्स्ट वुमेन फर्स्ट सऊदी वुमेन फर्स्ट सऊदी मैं ये तुम्हें पहले भी लिखवा चुकी हूँ फर्स्ट सऊदी वुमेन टू गो टू स्पेस नाम लिखेंगे इनका ठीक है साइंटिस्ट टू बिकेम रायना ये तो इजी है रायना बर नावी ठीक है ये क्या थी साइंटिस्ट है वैसे ठीक है तो ये बन गया फर्स्ट सऊदी वुमेन टू गो इन टू स्पेस नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उधर से वो दो एग्जियम स्पेस प्राइवेट मिशन बाम स्पेस अब इसके अंदर एक और पॉइंट हम लिखेंगे ठीक है सऊदी एस नॉट डॉक इंटरनेशनल स्पेस एज पार्ट ऑफ प्राइवेट मिशन बाय एग्जाम स्पेस ठीक है बिकम फर्स्ट एंड फर्स्ट सऊदी वुमेन टू गेट व अली अल कार्नी फाइटर पायलट आर द फर्स्ट टू पर्सन फ्राम दली ओके दे आर ऑल्सो फर्स्ट टू अली एंड ठीक है अब यहाँ पे हम एंड लिख देंगे एंड अली अल कर्नी ये मेल है ठीक है ये फाइटर पायलट है ये बोथ क्या है बोथ फर्स्ट टू पर्सन फ्रॉम देयर कंट्री टू कम टू टू गो टू स्पेस ठीक है जी अब यहां पर ये कौन से कैप्सूल में गए हैं स्पेस एक्स स्पेस एक्स किसका है एलन मस्क वाला ठीक है ना एलन मस्क के कैप्सूल में गए हैं और इनका प्राइवेट मिशन है डॉप्ट विथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ठीक है और यहां पर क्या है फाइटर आर द फर्स्ट टू पर्सन ठीक है और ये प्राइवेट मिशन बाय एक्जियम स्पेस देखिए यहाँ पर बहुत कुछ कवर कर लिया हमने सबसे पहले फर्स्ट वुमेन टू गो टू स्पेस फ्रॉम साउथी ठीक है रियाना बारनावी शी वॉज अ साइंटिस्ट ठीक है नाउ अली अल कार्नी ठीक है ही इज अ मेयर एंड ही इज ही ये भी दो ये दोनों ही पहली बार अपनी कंट्री से फर्स्ट फर्स्ट टाइम गए हैं अली अल अल्नी की तुम कंट्री ढूंढ लेना ठीक है दोनों मतलब इसकी कंट्री ढूंढनी पड़ेगी बोथ फर्स्ट एंड फर्स्ट टू पर्सन फ्रॉम देयर कंट्री के फर्स्ट साउदी वुमेन टू गो आर द फर्स्ट टू पर्सन फ्रॉम द कंट्री अरे ये साउदी के ही है मतलब दोनों ही ठीक है स्पेस एक्स एल एन स्पेस एक्स का यूज किया है इन्होंने जो ठीक है डॉक टू विद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्राइवेट मिशन था बाय एक्सियम स्पेस ठीक है जी ओके ये इंपॉर्टेंट है यहां से या तो लेडी का नाम पूछेंगे ठीक है आई एम एफ आज श्रीलंका टू रीच टाइमली रीस्ट्रक्चरिंग डील विद क्रेडिटर्स देखिए आई एम एफ ने श्रीलंका को लोन की जरूरत क्यों पड़ी आई एम एफ आस्क श्रीलंका टू रीच टू रीच टू रीच टाइम दी रीस्ट्रक्चरिंग डील्स विद क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स जिनके पैसे वापिस देने हैं ठीक है ना अब यहां पे श्रीलंका को लोन दिया है स्टाफ अग्रीमेंट हुआ था जिसके अंदर लोन दिया गया है ठीक है डॉलर वन डॉलर मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में आईएमएफ ने कितने का लोन दिया डॉलर थ्री बिलियन पैकेज नियरली राउंड अबाउट ठीक है ना अब इसके अंदर किस किस के पैसे वापस देने हैं सबसे ज्यादा पैसे वापस देने हैं इसने चाइना के ठीक है ना चाइना टॉप क्रेडिटर उसके बाद जापान उसके बाद इंडिया ठीक है जी तो ये अब रिस्ट्रक्चर करेगा कि मैं तुम्हारे पैसे ऐसे ऐसे करके वापस दे दूंगा इस साल इतना इस साल इतना अब यहां पे कहा जा रहा है कि कैथोलिक क्लर्जी जो है ठीक है ना एन इलिनियस अटोर्नी जनरल ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन रिलीज फ्राउंडोर फिफ्टी वन कैथोलिक क्लर्जी सेक्चुअली अब्यूज नियरली टू थाउजेंड चिल्ड्रन इन द स्टेट ओवर नियरली सेवेंटी ईयर पीरियड क्लर्जी कौन होते हैं ये फादर्स नन्स जो हो गए वो हो गए यहाँ पे इनके ठीक है ना जो मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं चर्च के लिए ठीक है उन्होंने किया ये शिकागो में ठीक है क्या कर सकते हैं लिख लो यहाँ पर एटॉनी जर्नल इन्वेस्टिगेशन Found the US mayor found four hundred fifty one Catholic clergy sexually abused nearly two thousand children over seventy years period. डर ही लगता है आप यहाँ पे जाने से तो ठीक है अब ये अवार्ड आगे मिचेल इन दुबई खाने पीने के अवार्ड्स हैं बढ़िया है। इस पे पता है क्या करते हैं वो सीक्रेटली किसी के भी होटल में जाते हैं वहां पर खा कर आते हैं बताते नहीं है कि भैया अगर तुम खाना अच्छा दोगे तो अवार्ड मिलेगा ठीक है मतलब सत्य वचन टॉपिक्स दे दिए देखो निखिल मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ मैं तुम्हें बताने को टॉपिक्स अभी भी बता सकती हूँ बट अगर तुम ये पूरा एनालिसिस देख लोगे एक तो तुम्हें टॉपिक्स पता चल जाएंगे दूसरी तुम्हारी न्यूज़ कवर हो जाएगी अगर तुम्हें लगता है तुम तीन चार टॉपिक प्रिपेयर करके स्लैट का बैट या फिर तुम स्लैट का इंटरव्यू क्लियर कर जाओगे तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा वहम है इंडिया शोन ब्राइट एट द 2023 मिशलिन अवार्ड्स एट दुबई कहां पे हुए ये दुबई में ठीक है हेल्ड एट द ग्लिटरिंग चलो जहां मर्जी हुए विनिंग टू स्टार्स होटल विद विद्रेसेंट स्टूडियो विनिंग टू स्टार्स द प्रेस्टिजियस गाइड सीन एज द ऑफ फूड इंडस्ट्री ये क्या है ऑस्कर ऑफ फूड इंडस्ट्री ठीक है अब कहां पे लॉन्च हुआ था वॉज लॉन्च इन फ्रांस इन नाइनटीन हंड्रेड Is now in 41 destination with Dubai unveiled last year. Total of 14 restaurants were uh, restaurants one star this year. The prestigious guide seen as the Oscars of was launched in France in early 1900s. Now Dubai may be here. beside Beside, uh, Tresend Ristorante, Nico Romita, and Stay by Yannick Elin Elono got two stars each, retaining their last year stars. Omkar Valve of Avtara which focuses on vegetarian fine dining and describes the, its cuisine as soulful Indian won the Young Chef Award. Dekho, Indians. Indian carnivijitrai home car valve of Avatara. Avatara okay describes food. It's food as इंडियन वन यंग शेफ अवार्ड मुझे बचपन में शेफ बनना था फिर मुझे पता चला प्याज भी काटने पड़ते हैं फिर मैं नहीं बनी ठीक है सच में किचन का काम तो मुझे ना ही करवाए तो बढ़िया है बहुत ही बहुत ही गलत चीज़ें हो जाती हैं मेरे से रसोई में चलो इसी दिन मैं अपनी मम्मी के साथ पॉडकास्ट करूँगी वो बताएँगी जो हमने बहुत अद्भुत कार्यक्रम करे हैं किचन में डिजिटल इंडिया बिल तो डिजिटल इंडिया बिल वो बताएंगे कि कैसे हमारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन सब लेके बैठे हैं उनको कैसे मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं ठीक है ना अ फुलज ड्राफ्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया बिल सेटअप टू रीवैम्प लॉस गवर्निंग द इंटरनेट इन इंडिया ठीक है ना रीवैम्प ठीक है ये आई टी टेक्नोलॉजी एक्ट टू थाउजेंड को रिवैम कर देगा मतलब रिप्लेस कर सकता है और किससे डील करेगा लॉज गवर्निंग द इंटरनेट इन इंडिया ठीक है इंटरनेट से रिलेटेड जो लॉज हैं चाहे वो प्रीवेसी है कुछ भी है ठीक है उससे चीजें लेकर आएंगे ठीक है बहुत बढ़िया बात है इंडिया इंडियाज ब्यूरोसी कुड हैम्पर इन्वेस्टमेंट ठीक है जो हमारे सरकारी अफसर हैं मुडीज इन्वेस्टर्स सर्विस कॉशन ऑन ट्यूजडे दैट रिफॉर्म एंड पॉलिसी बैरियर इन इंडिया कुड हैम्पर इन्वेस्टमेंट्स ठीक है जो ब्यूरोक्रेसी है मतलब जो ऑफिशल चीज़ें करते हैं उनकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स हाँ पर हो सकते हैं बट वैसे जी ट्वेंटी में जितनी भी कंट्रीज हैं अगर उससे कंपेयर करा जाए तो इंडिया की जो इकॉनमी है वो बहुत ही स्पीड से तेजी से बढ़ने वाली है ग्रो करने वाली है इंडिया की जो ग्लोबल इंडिया ग्लोबल ट्रेड शुड गो पेपरलेस जो ग्लोबल ट्रेड है पेपरलेस जा सकती है मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे सब सब कुछ ऑनलाइन होगा ठीक है जी अब यहाँ पे स्पोर्ट्स के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है इंपॉर्टेंट नहीं हुआ है तो यह ये था आज का एनालिसिस अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो सबसे पहले तो कमेंट कर देना इस वीडियो को लाइक like कर देना बिकॉज अगर आप वीडियो को लाइक like कर दे तो रीच बढ़ जाती है हमारे चैनल को सुजेस्ट जरूर करना एंड आपकी हमारे बारे में क्या सोच है तो वो ज़रूर बताना एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बाई दीज नोट्स हैंड रिटन नोट्स They're available for rupees hundred per month, rupees two hundred most important practice tests मिल जाते हैं आपको current affairs के हैं ये ठीक है ना इसके reviews मैं डाल दूँगी website पे ताकि आप पढ़ सकें आपको यकीन हो पाए कि आपके जो दूसरे दोस्त हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में ठीक है आप बिल्कुल zero से पढ़ना चाहते हैं हम zero से भी preparation कर सकते हैं tests जो हैं extra info available है test, COD, PG, available है, भी available है इसके अंदर mock test, cuet, ई टी जी के अवेलेबल है जो डी और बी के के भी जो है वो अवेलेबल है फर्स्ट फ्लैट ठीक है अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं ये सब कुछ आपको डब्ल्यू पर मिल जाएगा इसके लिंक्स तो वहां जाकर आप खरीद सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन लव यू ऑल थैंक यू बाय बाय कल मिलेंगे छः बजे अपने लिए भी क्लैपिंग करें अगर आप हर रोज आ रहे हैं एंड आदित्य चोपड़ा पानी दे दिया है भाई मत स्पैम कर बाय